हाय क्लास। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का चैप्टर नंबर फर्स्ट से, एंड दैट इज पीपीएम, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। द टॉपिक इज पीपीएम। इसमें कहते हैं क्लास पार्ट्स पर मिलियन। बच्चों, पीपीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए लाया गया था कि अगर मान लीजिए जो सॉल्यूट पार्टिकल है, जिस सॉल्वेंट में आप डाल रहे हैं, वहां सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो इन दैट केस आप लोग पीपीएम के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। याद रहेगा पहला पॉइंट कि सॉल्यूट का अमाउंट अगर सॉल्वेंट के अमाउंट के कंपैटिबल बहुत कम है, तब हम लोग पीपीएम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, वाटर को प्योरीफाई किया जाता है आरओ वगैरह में। तो क्या होता है बच्चों, आरओ में जब उसको प्योरीफाई किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ कंटेमिनेट होता है, कंटेमिनेट मतलब इंप्योरिटी। अब पानी में इंप्योरिटी बहुत कम होता है बच्चों आरओ के बाद। क्या होता है, हर आरओ सिस्टम के बाद वो बताते हैं कि हमारे इस 1 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल में जाके कहीं एक पार्टिकल आपको क्या मिलेगा, इंप्योरिटी मिलेगी। मतलब जहां पर बहुत सारी चीजों में से जिस चीज को आपने ऐड किया है, जो चीज वहां प्रेजेंट है, बहुत कम है, तो हम उसको पीपीएम के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। पी मतलब पार्ट्स पर मिलियन। सोचो जो नाम से चल रहा है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में उसका कितना हिस्सा है। जैसे बच्चों परसेंटेज होता है, परसेंटेज क्या होता है, 100 में इतना है वो, तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हुआ कि अगर 1 मिलियन हो तो उसमें वो कितना है। जैसे मान लीजिए बच्चों, हम लोग एक पॉपुलेशन में से किसी एक चीज को मेजर करते हैं, तो मैं बोलूंगा 1 मिलियन में इतने बंदे हैं। तो जो 1 मिलियन मतलब पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हुआ कि अगर 1 मिलियन मेरे पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें से कितना मॉलिक्यूल सॉल्यूट का है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं बच्चों कि मेरे पास 12 ppm क्लोरोफॉर्म बायमास सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 12 पार्ट्स पर मिलियन क्लोरोफॉर्म, मतलब अगर 1 मिलियन सॉल्यूशन है, 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 ग्राम का अगर सॉल्यूशन है, तो सिर्फ 12 ग्राम ही क्लोरोफॉर्म है। ये मतलब हुआ इसका, पार्ट्स पर मिलियन, कितना पार्ट उसका 1 मिलियन में है। इज दैट क्लियर। अगर 12 पीपीएम मैं कहता हूं बच्चों, तो 12 पीपीएम का मतलब यह हुआ कि वो 12 ग्राम है 1 मिलियन के सॉल्यूशन में। अगर 1 मिलियन है तो मान लीजिए यहां बाय मास ना लिख के बाय वॉल्यूम लिखा होता, तो आप सबको पता है क्या लिखते हैं यहां पर, कि अगर 10 की पावर 6 ml का सॉल्यूशन है, तो उसमें 12 ml आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब इस चीज से है कि अगर 1 मिलियन चीज है, तो उसमें कितना पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंट है। अगर 1 मिलियन सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। जैसे परसेंटेज 100 में चेक किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन 1 मिलियन में चेक किया जाता है। कॉम्पिटेटिव लेवल बच्चों एक पीपीबी होता है, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन, और बड़ा 10 की पावर 9। अगर 10 की पावर 9 में चेक किया जाता है बच्चों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, जैसे पीपीएम होता है। देखो बच्चों, परसेंटेज है 100 में चेक किया जाता है कि 100 में कितना चीज वो है, पार्ट्स पर मिलियन है 1 मिलियन में उसका कितना अमाउंट है, पीपीबी है 1 बिलियन में उसका कितना अमाउंट है। ठीक है बच्चों, देखिए दिल्ली में जो कई बार एयर क्वालिटी चेक की जाती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया जाता है कि हमारा जो एयर है वो कैसा है, तो बच्चों हमारे एयर में कितने पार्टिकल्स, सोचिए बच्चों कितने पार्टिकल, थोड़ा 100 पार्टिकल, 200 पार्टिकल्स है, मिलियन ऑफ पार्टिकल्स है। तो वहां पर जब हम पॉल्यूशन लेवल चेक करते हैं, तो पीपीएम में किया जाता है कि अगर 1 मिलियन हमारे चारों तरफ हवा के पार्टिकल्स हैं, तो उसमें इतने पार्टिकल पॉइजनस पार्टिकल्स हैं, तो वहां पीपीएम वर्ड यूज किया जाता है। मिट्टी होती है, जो मिट्टी कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, वहां पीपीएम कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो पीपीएम कहां यूज किया जाएगा बच्चों, जहां पर सॉल्वेंट बहुत सारा और सोल्यूट बहुत कम होगा, तो वहां पे आप यूज करते हैं बच्चों पीपीएम के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में उसका कितना हिस्सा है।
एक मिलियन में कितना हिस्सा है, दैट इज पीपीएम। 100 में कितना उसका अमाउंट है, दैट इज परसेंटेज। 1 बिलियन में उसका कितना अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड पीपीबी, दैट इज पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, तो बच्चों जैसे सोचिए, जब आप परसेंटेज निकालते थे तो आप क्या लिखते थे, ऊपर लिखते थे अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, लिखते थे बच्चों अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, याद कीजिए, और इनटू 100 करते थे, क्या परसेंटेज निकालते थे। अब मैं निकाल लो पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, तो ऊपर क्या लिखूंगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अगेन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, सेम बच्चों, पर सोचिए क्या करूंगा इनटू, क्योंकि ये पार्ट्स पर मिलियन है, इनकी पावर 6, क्योंकि मिलियन है, परसेंटेज में 100 तो मिलियन में 10 की पावर 6। और सोचिए अगर मैं पीपीबी निकालूंगा तो ऊपर आएगा बच्चों अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नीचे आ जाएगा अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, और इनटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो बच्चों परसेंटेज 100 में चेक किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन 1 मिलियन में चेक किया जाता है, और पार्ट्स पर बिलियन 1 बिलियन में चेक किया जाता है कि 1 बिलियन में कितने आपके सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखेगा, और जरूरी है कि अमाउंट ही, वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, ये सभी चीज जो आपने लिखी है वो बाय मास लिखी है बच्चों, अगर आप बाय वॉल्यूम चले जाओगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको, पीपीएम, पीपीबी और मास परसेंटेज, सब चीजों में आप सोल्यूट का अमाउंट ही चेक करते हो, लेकिन कितने सॉल्वेंट में, 100 है, सॉरी सोल्यूशन में 100 है तो परसेंटेज, मिलियन है तो पीपीएम, बिलियन है तो पीपीबी, दैट इज पार्ट्स पर बिलियन। अब जो आपके एनसीईआरटी में बढ़िया सा क्वेश्चन से रिलेटेड है, मैं आप सभी को वो क्वेश्चन अब कराने जा रहा हूं। देख लास्ट से आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है पीपीएम से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़ते बच्चों साथ साथ इसको, एग्जाम्पल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी जो होता है ड्रिंकिंग वाटर है उसमें कंटामिनेट का लेवल पाया गया, क्या लेवल पाया गया बच्चों, एक सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का, उसमें कुछ कंटामिनेट पाए गए क्लोरोफॉर्म के, और वो कार्सिनोजेंस है, मतलब आपके लिए थोड़ा हार्मफुल है, और उसमें कंटामिनेशन का लेवल जो है वो 15 ppm बाय मास है बच्चों, 15 ppm बाय मास। अभी आपको इसका मतलब बताया था मैंने कि 15 ppm बाय मास का मतलब हुआ कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है बच्चों इन 1 मिलियन, मतलब 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, अगर यही चीज पीपीबी होता तो पार्ट्स पर बिलियन हो जाता, तब 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होता 10 की पावर 9 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यही बच्चों 15% होता तो 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म होता 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो ये 15 ppm का मीनिंग लिख दिया गया। अब पूछा एक्सप्रेस इन मास परसेंटेज, बताइए इसका मास परसेंटेज क्या होगा बच्चों, मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, द सोल्यूट विल बी 15 ग्राम, द सोल्यूशन इज 10 की पावर 6 ग्राम इनटू 10 की पावर 2, इतना परसेंट आपका आंसर आ जाएगा। बट द सेकेंड वन इज मोलालिटी, द मोलालिटी इज स्मॉल m, फॉर्म में क्या लिखवाते क्लास, गिवन मास मोलर मास इनटू 1000 बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट, व्हाट इज द गिवन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, दैट इज 15 ग्राम। मोलर मास आप निकाल सकते हैं बच्चों CaCl3 का, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5 × 3। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इट्स कम्स आउट टू बी 119.5 × 1000 द मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों 10 की पावर 6 ग्राम का सोल्यूशन है और 15 ग्राम का आपका सोल्यूट है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, माइनस करके आएगा। लेकिन जो इमेजिन कीजिए 1 मिलियन में से आप 15 ग्राम माइनस कर रहे हैं तो ना के बराबर हुआ, इसमें से इसको माइनस करना तो एक तरह से नेग्लेजिबल है, तो क्यों ना हम सिर्फ 10 की पावर 6 ही लिख दें, यह आ जाएगा हमारा मोल पर kg, दैट इज स्मॉल m मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी कैसे निकाला बच्चों, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, 1000 में मास ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, पर सोल्यूट का अमाउंट इतना कम है कि हम उसको माइनस कर रहे हो ना के बराबर ही है, इसलिए हमने डायरेक्टली 10 की पावर 6 ही लिख दिया है। सोचिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको चेंज करके देता हूं, यही चीज अगर पीपीएम की जगह पीपीबी होता तो आपका आंसर क्या होता,
मास परसेंटेज और मोलालिटी का। सोचे क्लास, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे छोड़ा है कि अगर पीपीएम की जगह ये पीपीबी होता, पार्ट्स पर बिलियन होता, तो आप इसका आंसर किस वे में निकालते। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं क्लास, और भी कुछ पीपीएम क्वेश्चन लेते हैं। देखो दो क्वेश्चन यहां पे आपको दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका डीपीएमटी का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्लास। 5 ग्राम का BaCl2 है जो कि 10^6 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो कंसेंट्रेशन क्या होगा पीपीएम है बच्चों। पीपीएम क्या होता है क्लास, पीपीएम का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6, सीधा आ गया 5 ppm आंसर। वैसे भी क्लास आप देखते तो पीपीएम का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन में कितना सॉल्यूट है, 1 मिलियन में, तो पहले 1 मिलियन था उसमें कितना परसेंट है, ये 5, तो 5 ppm स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था बच्चों। सेकंड जो है ये आंसर क्वेश्चन है क्लास, यहां पे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी इस तरह क्वेश्चन कराए हैं, आप सभी को इसको ट्राई भी करना है क्लास। देखिए 98% बाय वेट है आपके पास, इसका मतलब क्या हो गया कि 98 ग्राम सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम के सोल्यूशन में, तो ये आपका सोल्यूट हो गया और ये आपका सोल्यूशन हो गया। डेंसिटी गिवन है सोल्यूशन का 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। आप यहां से वॉल्यूम निकाल लेंगे, मास अपॉन डेंसिटी। आपको क्या चाहिए, कैपिटल किसको नोट करता है बच्चों, मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होता है, गिवन मास मोलर मास 1000 बाय वॉल्यूम। तो जो गिवन मास हो गया 98, मोलर मास हो जाएगा 98 इंटू 1000, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन 100, डेंसिटी इज 1.84। इसको कैलकुलेट कीजिए क्लास और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, इन सारे लेक्चर्स के बाद विजिट करना जल्दी, हम लोग लाइव सेशन में जितना भी जेई और नीट का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा उसका एक बड़ा लाइव सेशन लेंगे क्लास, ताकि आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज बच्चों पीपीएम से रिलेटेड कुछ चीजें बताई गई आपको, अब बच गया इसमें आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन के साथ नॉर्मैलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों जो हम डिस्कस करेंगे, और कुछ डाइल्यूशन रूल पढ़ेंगे, कुछ हम लोग ये रूल पढ़ेंगे कि 2 सॉल्यूट को ऐड करते हैं तीसरा बनेगा तो सॉल्यूशन बनेगा, तो उसका क्या मोलारिटी रहेगा, क्या नॉर्मैलिटी रहेगा, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो नया सॉल्यूशन जो बनेगा उसका क्या मोलारिटी रहेगा। अभी जो बहुत सारे लेक्चर्स इसके बचे हुए हैं, तो आप यहाँ तक सभी बच्चे एक बार इसको विजिट कर जाओ।